नमस्कार, आप हैं अमित सर के साथ। आज हम देखेंगे IRB का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सारा आंसर की आपको बताते हैं। 100% सही आंसर देंगे आप, A to Z मिलाइए। और ये जो सेट है, ए सेट है, सेट बी सी डी अगर आपके पास है तो हो सकता है कि क्वेश्चन का अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारा क्वेश्चन सेम था। आप लोग पेन और पेपर उठाइए और सारा आंसर लिखना शुरू कीजिए, मिलाइए। मिलाने के बाद हमें ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर इतना सही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दें कि हमारे चैनल में झारखंड से जीके वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम मिले तो। अगर उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट बार जब आप कुछ अगर अपलोड करें तो आपको टाइमली मिल जाए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की राजभाषा अगस्त 2017 में निम्नलिखित में से कौन सी है? हिंदी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से पूछा गया है कि इबन बतूता जो है कहाँ के निवासी थे? मोराको के निवासी थे, इसका सही आंसर होगा। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेयरूत। ओ अय्यूब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन अय्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO शहरी एवं ग्रामीण कीमतों पर, तो इसे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन का ये है कि NSSO का अर्थ क्या होता है। NSSO का अर्थ होता है नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन है कि डावोस 2015 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के, तो इसका आंसर ये होगा। इस बहुत लंबा आंसर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए, आपके पास पेपर है देख लीजिए, लेकिन इसका सही आंसर बी होगा, इंडियन ब्रांड इकट्टी फाउंडेशन, इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? 12 मई को मनाया जाता है। 8वां है, अगस्त 2017 में मारे गए रोहिंग्या मुस्लिम निम्नलिखित में से किस देश के थे? म्यांमार। आपको पता है कि इंडिया में म्यांमार को लेकर के बहुत बड़ी मतलब ये हो गई थी, तो आपको पता होगा कि म्यांमार इसका सही आंसर है। हमको लगता है कि हर कोई सही करके आए होंगे म्यांमार। और उसके बाद, भारत के मूल संविधान को जबलपुर के कौन से प्रसिद्ध चित्रकार ने डिजाइन किया था? बेओर राम मनोहर सिन्हा ने इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2017 तक के लिए PSLV C-37, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSLV C-37 टोटल 104 उपग्रह छोड़ा गया था, टोटल 104, 103 बोल रहे थे कोई लड़के, 103 नहीं होगा, 104 इसका सही आंसर होगा। कितने किलो का था? 1778 kg का था ये। निम्नलिखित में से असम राज्य को सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? बिहू। आपको SSC CGL और स्टेट लेवल में होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर फिल्म दंगल, दंगल में जो सहायक अभिनेत्री की पहचान करे कौन थी? जायरा वसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पिछले बार पूछा गया था 10 दिसंबर को, इस बार पूछ दिया सेकेंड सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, इसका सही आंसर बी, बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विकलांगता के लिए और विकलांगता और अंगों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल है? पैरालंपिक खेल, इसका सही आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए बड़े उपहार की पहचान? आयुर्वेद, इसका सही आंसर होगा 15 नंबर का। उसके बाद पूछा गया है, ए फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टेड इन ए फिल्म बेस्ड ऑन जैन ऑस्टीन फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस, हु इज द एक्ट्रेस? इसका सही आंसर सी होगा, ऐश्वर्या राय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 खून माफ, नाम सुन के ही इसको सही किए होंगे, देख के ही इसको, हाँ यही होना चाहिए, 7 खून माफ, इसका आंसर ये होगा, 7 खून माफ। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया 2017 में हुआ था, कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इसका सही आंसर सी होगा, ऑस्ट्रेलिया। जनपद पंचायत में क्या शामिल है? कई ग्राम पंचायतें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द इंडियन नेशनल आर्मी हेड एक्सक्लूसिव वोमेन रेजिमेंट कॉल क्या कहा था? रानी झांसी रेजिमेंट, इसका सही आंसर होगा बी का, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थिति में बैठक कौन करवाता है? तो बैठक जो करवाता है सभा अध्यक्ष के पैनल का एक सदस्य करवाता है, बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर का जो आंसर, स्मार्ट सिटी होगा, बड़े शहरों के सेटेलाइट टाउन, आप लोग स्मार्ट सिटी नाम देख कहीं से सही किए होंगे, नहीं यही होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे वो मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ में फर्स्ट टाइम पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया था, कहाँ पे? सारनाथ पे दिया था, ज्ञान प्राप्त नहीं किए थे, पहली बार
बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ में। लिंग विभाजन का संबंध, इसका आंसर होगा दी गई आसमान भूमिकाएं। 25 नंबर का आंसर 8 होगा, अनुसूची 8 में रखा गया है भारतीय भाषाओं को। 26 नंबर का क्वेश्चन 29 होगा, जहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 27 नंबर में जो पूछा गया है, इतिहासकार नैन्सी हेनन ड्यूचरी ने अपना, इसका सही आंसर यूएसए होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता के लिए प्रथम पुरस्कार निम्नलिखित में किसने प्राप्त किया था? आयर अराफात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय फखरुद्दीन, हाँ देखिए पूछा गया भारतीय राष्ट्रपति जब फखरुद्दीन अली थे तो उसमें एक मतलब इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल घोषित की गई थी, तो उस समय कब का उसका टाइम क्या था? 1975 से 1977 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है मूल के आधार पर फाइबर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, एगो बांटा गया है प्लांट एनिमल और मिनरल, 3 भागों में बांटा गया। इसका सही होगा, 2 नहीं होगा, बहुत लोग 2 सही करके आए, 3 होगा इसका सही आंसर। मॉन्टिंग जेम्स फोर्ड सुधारों के मुख्य विशेषता क्या है? दोनों इसका सही आंसर होगा, बी पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी से, पिछले बार भी 3 दिसंबर 10 दिसंबर को पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया राजधानी से क्वेश्चन कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सैन होसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में से कहाँ से संविधान के बिल ऑफ राइट्स को प्रेरणा प्राप्त हुई थी? यूएसए से हुई थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक भारत के किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई है? लोकमान्य तिलक के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदी समिति ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार किया, संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर कितने वर्ष और 114 दिनों में अवधि तक विचार वर्ष के 3 वर्ष तक, इसका सही आंसर 3 वर्ष होगा, आप लोग मिला लीजिए। 36 जो है IREDA, तो यहाँ पे पूछा गया है कि IREDA का निरूपित करता है मतलब क्या इसका नाम है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। 36 का ए सही होगा। उच्चतम गुणवत्ता वाला हार्ड कोल एंथ्रासाइट कहलाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य गतिविधियों के लिए श्रेय के क्षेत्र में निर्मित नीति निर्मित इसका नवाद्र, इसका सही आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, SSC में बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का उद्गम भारत से संबंधित है? चेस, नाम है चतुरंग, चतुरंग चेस इसका नाम है। बरगद के पेड़ नेशनल ट्री इंडिया का कौन सा है? बरगद का पेड़। 40 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग हर कोई सही करके आएंगे हमें पता है। 40 41 का क्वेश्चन है झारखंड का वरुण अरुण, देखिए यहाँ झारखंड के यहाँ से शुरू हो गया, झारखंड का जीके, झारखंड का जीके में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे क्रिकेट से, स्पेशल मेन जो थे वहाँ के, जैसे कि कोई राइटर थी रांची की, @FacebookFacebook जो लिखी थी, वो सब वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको अगर जीके अगर पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है वहाँ पर देख लीजिए, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, आपको सारी समझ में आ जाएगी और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए। चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन, झारखंड के वरुण अरुण किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्नलिखित में से है? जनानी झूमर, गढ़वारी नचनी जादरू, ये सब नहीं है, इसका सही आंसर ये होगा जनानी झूमर। 2003 रांची में आदिवासियों और देसी भाषा के स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन किया था? इसका सही आंसर होगा झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति आखरा, इसका सही आंसर होगा। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ इमारतों को, इसका सही आंसर होगा बी संथाल परगना वाला जो क्वेश्चन आंसर है ना ये सही होगा, अर्जी मुकिमपुर। 45 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, पीयूष गोयल जी ने फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कोयला और, इसका सही आंसर पीयूष पीयूष गोयल होगा, इसका सही आंसर मिला लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों वन क्षेत्रों में संरक्षित, इसका सही आंसर होगा भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम इसका सही आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेद शिखर भी कहा जाता है? पार्शनाथ हिल्स। कल के ही वीडियो में हमने अपलोड किया था, 15 या 16 तारीख को वीडियो में हम लोग बताए थे गिरिडीह में पार्शनाथ के बारे में, देखिए आज क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे वीडियो से। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा है? डोकरा, इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बगुन सुमरई ने, इसका सही आंसर सी होगा, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के नेतृत्व किया था। कंघी कट कोब कट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजाति में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? उरांव जनजाति की। महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश
गिरिडीह जिसको कहते हैं, राज्य के निम्नलिखित जिलों में किस में स्थित है? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, झारखंड राज्य के उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कौन सी कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग आठशिला उद्योग में संबंधित है? इसका सही आंसर तांबा और वन आधारित उद्योग ए होगा इसका सही आंसर। 53 नंबर जो क्वेश्चन है, संथाल परगना धर्म और खेरवार बंदे डोर में युद्ध ही प्रसिद्ध लेखक मांझी रामदास टुड्डू, इसका सही आंसर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है लेखक से, पुस्तक लेखक से, लोगों को बताते हैं ये लोग क्यों गलत करके आते हैं, लोगों को सही से स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाती है। ये क्वेश्चन कोई भी बुक में नहीं दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया है, तो लोग जो नहीं देखे वो कैसे सही करके आएंगे, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है शायद किस कोई कोई लड़के सही करके आए होंगे। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, देखिए इस बहुत सारे हमारे YouTube में वीडियो है, आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी टाटा पावर का संयुक्त उद्यम कंपनी है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उप विभाजन में विभाजित है? तीन, तीन इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। रांची में जन्मी दीपिका कुमारी एक महिला खिलाड़ी संबंधित है तीरंदाजी से, ये भी क्वेश्चन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किए हुए हैं। वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड जनजाति का वर्गीकरण उसे सांस्कृतिक प्रकार के हैं? ललित प्रसाद विद्यार्थी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2007 तक निम्नलिखित में से किसने 3 बार झारखंड मुख्यमंत्री पद संभाला? दो जन है, ए नहीं इसका आंसर बी होगा, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा जी तीन तीन बार मुख्यमंत्री पद पर हैं रहे थे। 59 नंबर पे है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के 25 वर्ष की में रांची के जेल में निधन हो गया था? बिरसा मुंडा जी को, बिरसा मुंडा जी जो थे 25 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गई थी रांची जेल में। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टूमल्ट्स को इनमें से कौन सा जाना जाता है? धरती आबा का उलगुलान, इसका सही आंसर होगा बी होगा। झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा झरना गौतम धार झरना के रूप में जाना जाता है? जोहना फॉल्स, कहाँ पे है जोहना? हो सकता है रांची में है, आप लोग बताइए। झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि या शुरुआत किस राज्य में, किस राज्य का हिस्सा था? इसका सही आंसर बिहार होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। झारखंड से कोहवर और सोहराय चित्रकारी कला के रूप में है, विवाहित महिलाएं, इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, इंडो असाही ग्लास कंपनी, देखिए ग्लास कंपनी ये हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किए थे रामगढ़, इसका सही आंसर होगा ग्लास कंपनी। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले व्यक्ति थे जो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु भाती के से हैं? कौशल दंगा आदिवासी सेवा संघ GAWS, इसका सही आंसर होगा बोरो बास्की, बोरो बास्की इसका सही आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, 66 नंबर का क्वेश्चन ये होगा बोरो बास्की। 67 नंबर का क्वेश्चन, आदिवासी अधिकारियों के उल्लंघन के विरोध में अपने निम्नलिखित में से किसने देखिए आयरन लेडी ऑफ कहा गया, आयरन लेडी कहा गया किसको कहा गया था? दायमनी बारला को। ये क्वेश्चन पूछा गया था SI प्री में, कोई जेट में था रहा, वहीं पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू गढ़वा लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे डोलोमाइट, डोलोमाइट ये सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है उस, तो जिस कौन सी योजना है जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकेंगे महिलाएं? उद्यमी सखी मंडल योजना, इसका सही आंसर होगा 69 का ए। 70 का ए पलाश सही आंसर है, फूल जो है झारखंड का जो राष्ट्रीय फूल है पलाश है। 71 का जो है आजीविका, इसका देखिए क्वेश्चन में ही आजीविका दिया, कोई अगर मतलब अगर कोई सोचा होगा आजीविका यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आजीविका चलो सही करते हैं, सही किया, देखिए सही हो गया, इसका सही आंसर ये होगा आजीविका 71 का। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड एक युवा राज्य के रूप में समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयास, रघुवर दास जी, इसका सही आंसर होगा सीएम रघुवर दास जी अभी हैं। झारखंड के खान एवं भूमि विज्ञान सरकार के 12वें 5 ईयर प्लान में 200 मिलियन टन, समझे ना, 200 मिलियन टन खनिज का अनुमान किया गया था, 200 मिलियन टन इसका सही आंसर डी होगा इसका।
74 का सही आंसर डी होगा, स्वावलंबन कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि के महिलाओं के लिए 2010-11 में स्वावलंबन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड एक रांची की लड़की थी, लव एट द रेट ऑफ फेसबुक नामक पुस्तिका लिखी थी निकिता सिंह, देखिए पूछ दिया गया। आगे है, उद्योग खनन भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना कले कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम रांची हजारीबाग जिले में पाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जोड़ी है, शोरिया पहाड़िया। 78 नंबर क्वेश्चन है, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, उत्तर में। देखिए एक क्वेश्चन उत्तर या दक्षिण दोनों में से एक होगा, हम कंफर्म नहीं करते हैं किसका आंसर उत्तर ही होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर सही होगा। कुछ लड़कों से पूछे थे तो उन्होंने दक्षिण बताया था, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर होगा। देखिए JASCOLAMPF है ना, किससे संबंधित है, बढ़ावा देने के लिए, लाह बढ़ावा देने के लिए संबंधित है। झारखंड का नीलाचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है, जमशेदपुर के निकट कांटरा में। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा गया था, थाना भगत आंदोलन इसका सही आंसर होगा। 82 का आंसर 40% होगा कि उद्योग खान एवं भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वावलंबी वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है, 40%। बहुत सारे लड़के सही करके आए होंगे इसी से। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ राज्य के कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है, 8। इसका सही आंसर 8 होगा। 1940 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था, जात्रा औरान ने। 84 का आंसर है, 85 का आंसर होगा ए गोटल शुद्ध बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर है, गोटल शुद्ध बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में एम्स्टरडम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला जयपाल सिंह, जयपाल सिंह का नाम कौन नहीं जानता, हर झारखंड के लोग हर झारखंड के लड़के जानते हैं जयपाल सिंह का नाम, भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी कप्तान। तो आप लोग हर कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई गलत किया होगा, हर कोई सही करके आया होगा ये क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में जन्मे निम्नलिखित में से कौन से अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में अपनी भूमिका निभाई है, प्रत्यूषा बनर्जी। इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए मैं कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं, तीनों खिलाड़ी जो है तीनों है, इसका सही आंसर 3 होगा। वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास से झारखंडों के हजारों लोगों के जीवन बदल दिया था, शिमोन उराव। इसका सही आंसर होगा डी 90 का आंसर होगा पी 1 और 2 दोनों, वीरेंद्र लाकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से हैं झारखंड से। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि राइजन मतलब किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया था और फिर यूपीएससी में पूछा गया है, स्टेट में जो है मध्य प्रदेश या फिर हो गया यूपी और फिर हो गया और दूसरे स्टेट में पूछा गया, वहाँ भी पूछा गया था ये सब सवाल पुराना सवाल है, बहुत बार रिपीटेड सवाल है मतलब। 92 नंबर क्वेश्चन लंबा है, इसका सही आंसर सी होगा, सही आंसर है, आप लोग देख लीजिए 92 का सी होगा, थोड़ा कट गया है लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। 93 का आंसर होगा CMC, पानी में गंदे कणों की निलंबित रखने के लिए सिंथेटिक डिटर्जेंट में एक घटक, इसका बी सही होगा CMC। आगे है कि जल उपचार के दौरान निलंबित अशुद्धियों के अवसाधन की वृद्धि करने के लिए फिटकरी डाला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन रोग नहीं है, हृदयाघात जो है श्वसन रोग नहीं है। एक खुली आंख के साथ मनुष्य का क्षैतिज दृष्टिकोण कितना होता है, 180 डिग्री। किडनी के निम्नलिखित कौन सी बीमारी का अर्थ अस्टोन होता है, इसका नेफ्राइटिस, इसका सही आंसर होगा डी 97 का डी। ये सब सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, 96 का ये सी होगा, 97 का डी होगा, 98 का बी सी होगा। शब्द टेराटोजेंस का अर्थ उन कारक को दर्शाता है जिसके कारण जन्म दोष होता है, इसका सही आंसर सी होगा। 99 का आंसर ए होगा, तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है,
पौधे सोच नहीं सकते क्योंकि उनमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल अच्छे परिणाम के लिए, इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद फिर 101 का आंसर नेत्र शोथ होगा। अधिनियम खाद आदतों वाले व्यक्ति में आमाशय रस का स्राव होने के कारण खुला घाव होता है, इसका नेत्र शोथ, इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा। 102 का आंसर सी होगा, फोटो रिसेप्टर हमारी आंखों निम्नलिखित में से किस अभिग्रह की उपस्थिति के कारण प्रकाश देखने में सक्षम होती है, फोटो रिसेप्टर। 103 का आंसर होगा सी एपियोलॉजी, एपियोलॉजी मधुमक्खियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। 104 का आंसर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आमतौर पर जब नींबू का रस बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तो गैस उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 105 का आंसर बी होगा कोई प्रजनन नहीं होता है। 106 का आंसर हरा होगा, बिजली के झटके को रोकने के लिए घरेलू धातु के उपकरणों को आमतौर पर अर्थ किया जाता है, कौन सा रंग का होता है, हरा रंग का होता है, लाल रंग का जो होता है सबसे डेंजर होता है, प्लस जिसको कहते हैं हम। 107 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर 16/1 होगा, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन एक है, देखिए एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठकर ठीक से ब्लैक बोर्ड पर लिखे पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से। तो ये सब क्वेश्चन था। भौतिकी में CFL का अर्थ क्या है, CFL हम लोग यूज़ करते हैं बल्ब, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका सही आंसर होगा सी। आगे मैथ्स है तो मैथ्स के लिए अलग वीडियो बना देंगे, बहुत लंबा टाइम हो गया है तो मैथ्स के लिए अलग वीडियो बना देंगे, हो सकता है कल 10 बजे तक अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग देख लिए, मिला लिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आपके लिए इतना मेहनत किए हैं तो आप हमारे लिए कुछ एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो। ओके, धन्यवाद।